जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। मौसम चालू हो चुका है और बहुत सारे त्योहार लाइन में लगे हुए हैं। अब इस कतार में हम अपने जीवन को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास और क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये अब हमें रोज जानना है। इसीलिए साथ चलकर और साथ मिलकर अपने जीवन की परेशानियों से बाहर निकलने के लिए रास्ते निकालते हैं। कार्तिक मास अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पवित्र और सिद्ध मास माना जाता है। ये वो महीना है जिस पर देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद है। कार्तिक मास को भगवान विष्णु जी का मास कहा जाता है और ये पूरे महीने के अंदर आपको नाना प्रकार के व्रत त्यौहार देते हैं। कार्तिक मास में ही बहुत सारे ऐसे पर्व आते हैं जब हम अपनी पूजा पाठ मंत्र जाप इनसे अपने जीवन की समस्याओं से निदान पा सकते हैं। कार्तिक मास में वैसे तो ये कहा जाता है कि सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करने से, यानी कि कार्तिक स्नान करने से जीवन के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, जीवन तर जाता है और ऐसे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास के अंदर एक और चीज विशेष कही गई है कि माँ तुलसी जी के नीचे अगर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमारे जीवन के सारे कष्ट हर जाते हैं। कार्तिक मास में शालिग्राम जी और तुलसी के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। उसी प्रकार कार्तिक मास में दीप दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। मैं आगामी 2-3 आने वाले एपिसोड्स में आपको अलग अलग तरह की चीज़ों की जानकारी देने वाली हूँ, लेकिन आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कार्तिक मास में लगाने वाले एक चमत्कारी दिए के बारे में। लेकिन इससे पहले आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। कार्तिक मास में कुछ चीज़ें अपने घर में रखना बहुत विशेष पवित्र होता है। जैसे कि कार्तिक मास के अंदर चांदी या सोने का कोई भी हम सामान सिद्ध कर कर अगर अपनी तिजोरी में रखते हैं तो इससे धन वर्षा के योग बनते हैं। वैसे तो धनतेरस कार्तिक मास में आती है, जिस दिन चांदी सोना खरीद कर हम उसका विशेष पूजन कर कर अपनी तिजोरी में रखते हैं। इसी प्रकार कार्तिक मास के अंदर अगर आप कुछ चीज़ें और अपने घर में लाते हैं तो ये बहुत पवित्र माना जाता है। कार्तिक मास के अंदर पारे से बने हुए माँ लक्ष्मी के वाहन को, यानी कि उल्लू को अगर सिद्ध कर कर आप अपने घर पर अपने पर्स में रखते हैं, अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। कार्तिक मास के अंदर अगर आप तुलसी के पौधे जगह जगह रोपण करते हैं, मंदिरों में, अपने घर के आसपास, अपने घर के अंदर, तो इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में अगर आप तुलसी जी के नीचे एक घी का दीपक रोज संध्या के वक्त प्रज्वलित करते हैं तो इससे आपके घर की नेगेटिविटी भागती है, आपके जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं। इसी प्रकार अगर आप कार्तिक मास के अंदर एक और छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपको इससे आपके जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। कार्तिक मास के अंदर ही दिवाली आएगी और जब कार्तिक मास समाप्त होगा, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन देव दीपावली आएगी, जिस दिन विशेष रूप से दीप दान किए जाते हैं। पवित्र नदियों में 108 या 1008 दीपक प्रज्वलित कर प्रवाहित किए जाते हैं और ऐसा करना बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और इससे हमारे परिवार के ऊपर ईश का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। कार्तिक मास के अंदर अगर आप अपने घर में सुबह और शाम घी का दीपक जलाते हैं, जिसकी बत्ती आप कलावे की रखते हैं, तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में सदा सर्वदा वास करता है। इसी प्रकार अगर आप पूरे कार्तिक मास के 11 दिन लगातार
किसी भी मंदिर में जाकर, चाहे वो विष्णु जी का हो, शिव जी का हो, हनुमान जी का हो, माँ दुर्गा का हो, गणेश जी का हो, किसी भी मंदिर में जाकर अगर आप रोजाना 5 दीपक पीली सरसों डालकर जलाकर प्रज्वलित कर आते हैं, तो ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना सिद्ध होती है, कर्जों से मुक्ति प्राप्त होती है और साथ ही साथ में आपका भाग्य उदय हो जाता है। ये दीपक घी का होगा और ये कार्य आप अगर रोज संध्या के वक्त करेंगे तो इसका आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। एक और चीज बताती हूँ, दीप दान इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इस मास के अंदर दीपावली आती है और दीपावली पर हम दीपक जलाकर अपने जीवन के अंधकार को मिटाते हैं। रामचंद्र जी उस दिन वनवास से वापस आए थे और इसीलिए हम दीपक जलाकर उनके आगमन पर खुशियां मनाते हैं। परंतु क्या आप ये जानते हैं कि पीपल का पेड़ ये भी तो भगवान विष्णु का ही प्रतीक है, इनको भी तो भगवान विष्णु का ही रूप माना गया है कलयुग के अंदर। इसलिए अगर आप प्रत्येक शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे जाकर कार्तिक मास में 21, 31, 51, 108 अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ऐसा करने से आपके हर कार्य बनने लगते हैं, आपकी बिगड़ी बन जाती है। ठाकुर जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहता है। इनका ग्रहों के साथ भी बहुत गहरा संबंध होता है। पीपल के पेड़ के नीचे कहते हैं कि हमेशा तेल का दीपक जलाना चाहिए, यानी कि सरसों के तेल का। तो ध्यान रखिएगा कब कहाँ किस चीज़ का दीपक जलाना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिए और ये कार्य करते जाइए। ठाकुर जी की कृपा रही, राधा रानी का प्यार रहा, तो आपके जीवन के सारे कार्य अपने आप बनने लग जाएंगे। और मैं तो फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD मात्रशिला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मात्रशिला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही है। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।